हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड बाय अंजलि। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ लौकी का रायता, जो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है और रिफ्रेशिंग रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं लौकी का रायता। लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमें लौकी को छील या पील करके छोटे 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 टुकड़े में कट कर लेना है, वॉश कर लेना है और उसे एक कुकर या पैन में डाल करके टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालकर उबाल लेना है। जब उबल जाए तो वो उसे पानी से निकाल करके थोड़ी देर के लिए रख देना ठंडा होने के लिए। अब एक बाउल में दही लेना है और दही को बहुत अच्छे से फेंट लेना है, बहुत पतला नहीं करना है, ठीक रखना है। और जब लौकी ठंडा हो जाए तो लौकी को दही में ऐड कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बहुत ही बारीक कटे हुए हरी मिर्च और धनिया पत्ते को। धनिया पत्ते ऐड करके थोड़ा टेस्ट अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने लौकी में पहले सॉल्ट ऐड किया था। ऐसे तो हमारा रायता तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तड़के के लिए हम एक करछी में एक चम्मच तेल डाल करके राई के कुछ दाने ऐड करेंगे और उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल करके तड़का लगाएंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा और साथ में इसका लुक भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस रेसिपी के साथ आप भी अपने घरों में लौकी का रायता बनाएं और ये आलू के पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।